हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा बोलेरो न्यू प्लस के बारे में। गाइस, महिंद्रा एंड महिंद्रा आने वाले दिनों में नई जनरेशन स्कॉर्पियो बोलेरो न्यू प्लस लॉन्च करने वाली है और नई स्कॉर्पियो एंड की प्राइस की घोषणा भी आने वाले 27 जून को की जाएगी। वहीं नई महिंद्रा बोलेरो न्यू प्लस की लॉन्च डेट का भी खुलासा नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि कंपनी बोलेरो न्यू का 3 रो वाला वेरिएंट आने वाला है जो कि TUV 300 की जगह लेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई बोलेरो न्यू प्लस में थार इंजन का ऑप्शन दिया जाएगा। इसका मतलब है कि SUV में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन होगा। हालांकि इसके पावर और टॉर्क के आंकड़े अलग हो सकते हैं। बोलेरो न्यू 5 सीटर वर्जन की तरह इसमें पावर और ड्राइव मोड होंगे। नई महिंद्रा बोलेरो न्यू प्लस को P4 और P10 ट्रिम्स में देखा था। डुअल सीटिंग लेआउट 7 और 9 सीटर में पेश किया जाएगा। इसके अलावा 4 सीटर एक पेशेंट बेड के साथ इसका एम्बुलेंस वर्जन भी आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक SUV की लंबाई 4400 मिमी, चौड़ाई 1795 mm और ऊंचाई 1812 mm हो सकती है। इसका व्हील बेस भी 2680 mm हो सकता है। और महिंद्रा बोलेरो न्यू प्लस के बेस वेरिएंट की कीमत की बात करें तो तकरीबन 10 लाख रुपए से लेकर टॉप मॉडल की 12 लाख रुपए होने की संभावना है। आने वाले हफ्तों में SUV के आधिकारिक स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल इसे लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है और बाकी कंपनी जब आगे आने वाले दिनों में कुछ बताएं तो हम आपको बता सकते हैं। और तो और गाइस, महिंद्रा ने न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो का इंटीरियर भी लॉन्च कर दिया है, मतलब कि इसका खुलासा भी कर दिया है और जो कि एक वीडियो के जरिए बताया गया। और बस गाइस, इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।